राजस्थान में बाल विवाह एक बड़ी कुरीति है और अक्षय तृतीया इसका एक बहाना होता है। हालांकि बाल विवाह में पहले के मुकाबले भारी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद अक्षय तृतीया के मौके पर बड़ी संख्या में बाल विवाह अब भी होते हैं। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने 7 मई को परशुराम जयंती की छुट्टी होने के बावजूद सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो फील्ड में रहेंगे और बाल विवाह को रोकने के लिए उस पर नजर रखेंगे। इसे देखते हुए राजस्थान के टेंट डीलर और कैटरिंग एसोसिएशन ने एक निर्देश निकाला है कि उनसे जुड़े हुए राजस्थान के सभी 7,000 टेंट डीलर और कैटरिंग के व्यवसाय से जुड़े लोग शादी विवाह में अक्षय तृतीया के दिन अपना सामान तभी उपलब्ध कराएंगे जब शादी वाले घर के लोग वर वधु की उम्र का प्रमाण पत्र देंगे। कल दिनांक 7 मई 2019 को आखा तीज का बहुत बड़ा सावा राजस्थान में होने जा रहा है और इस आखा तीज के सावा में बाल विवाह अधिक होते हैं। इन बाल विवाहों की रोकथाम के लिए हमने राजस्थान के लगभग 50 से 55 हजार टेंट व्यवसायी ने निर्णय लिया है कि बुकिंग के समय लड़के और लड़के की आयु प्रमाण पत्र देख के ही शादी की बुकिंग करेंगे। बाल विवाह में टेंट लगाने का हम बहिष्कार करेंगे। बाल विवाह एक गलत प्रथा है, इस प्रथा को रोकने के लिए हम टेंट व्यवसायी एकजुट होकर बाल विवाह को रोकेंगे। जय। वर वधु के बालिक होने पर ही उन्हें शादी के लिए जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। राजस्थान में सर्व ब्राह्मण महासभा ने भी अपने संगठन से जुड़े सभी पुजारियों को निर्देश दिए हैं कि वो इस तरह की शादियां करवाने कतई ना जाएं जहां वर वधु नाबालिग हों। ये पहली बार ब्राह्मण महासभा ने एक नई पहल करी है कि राजस्थान भर के अंदर जितने भी बाल विवाह हैं उनको रोकना चाहिए और उसके लिए जितने भी पंडित हैं विशेषकर जो पूजा पाठ करते हैं और शादी विवाह कराते हैं फेरे कराते हैं उन लोगों से हमने आग्रह किया है कि इस बार किसी भी हालत में बाल विवाह नहीं होना चाहिए और इसके लिए पूरी तरह से समाज की तरफ से हम लोगों ने लोगों से आग्रह किया है और आग्रह के साथ साथ निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे राजस्थान भर के अंदर जितने भी ब्राह्मण हैं विशेषकर जो पंडित हैं वो किसी भी हालत के अंदर बाल विवाह के कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे ना बाल विवाह कराएंगे। राजस्थान सरकार ने पहले ही आदेश जारी किए हैं कि नाबालिग बच्चियों के शादी होने पर उनके माता पिता के अलावा शादी कराने वाले पुजारी और टेंट कैटरिंग एसोसिएशन से जुड़े लोग भी दोषी होंगे। उम्मीद है कि सरकार का ये कदम बाल विवाह को रोकने में कारगर साबित होगा। राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन शादी विवाह की धूम होती है, इस दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह भी होते हैं। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने तो सख्ती बरती ही है, साथ ही जो राजस्थान के टेंट डीलर एसोसिएशन है या सर्व ब्राह्मण महासभा है इनसे जुड़े हुए पुजारी हैं या फिर टेंट डीलरों के एसोसिएशन से जुड़े हुए टेंट लगाने वाले हैं, कैटरिंग लगाने वाले हैं, इन सब ने एक निर्देश जारी किया है अपनी तरफ से कि किसी भी तरह से बाल विवाह नहीं कराए जाने चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि जिसको टेंट लेना हो, जिसको कैटरिंग का सामान लेना हो, वो उम्र का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तब जाकर वो सामान देंगे। इसी तरह पुजारियों ने भी कहा है कि पहले उन्हें बच्चियों के और बच्चों के उम्र का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा तब जाके वो शादी के लिए तैयार हो गए, क्योंकि सरकार ने सख्ती बरती है कि अगर बाल विवाह होता है तो पुजारी और टेंट वाले भी गिरफ्तार किए जाएंगे। कैमरामैन संदीप के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।